आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई उपमा, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें राई डालते हैं, आधी चम्मच हरी मिर्च से महीन काट के रख लिया था, प्याज इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसमें आलू ऐड करते हैं, शिमला मिर्च ऐड करते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके ढक कर के पकने देंगे, जब तक सब्जियां अच्छी तरीके से पक। इसमें हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के लिए रख देते हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं, इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर पका लेंगे। सब्जियाँ भून चुकी हैं, अब हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने रोस्टेड सेवई ले रखी है। बाउल से सेवई लेते हैं, उसी बाउल से नाप करके आप 2 कटोरी पानी डालिए। इसे चलाकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए ढकना स्वाद के अनुसार। सेवइयां उपमा तैयार है, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।